किशोरी साहब ने एक बात कही थी कि मैं अखबार हूँ क्या, मेरी औकात ही क्या है, मैं अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या है, पर शहर चलाने के लिए काफी। तो साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अगर हम इस रूप में तुलना करें कि वो अखबार की तरह है, तो न केवल भारत बल्कि विश्व में जो आग लगाई है वह आग न जाने कितने देशों में बढ़ चुकी है। विषय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान, तो मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं तो इतिहास के मैं झांकते हुए अपनी बात बताना चाहता हूं कि अब तक केवल राष्ट्रीय स्तर की बात की गई है, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उन पहलुओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनके आइडियाज कितना बड़ा काम किया है। जो हमारे इतिहास के प्रोफेसर हैं या हमारे जैसे लोग इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते और न जानते हैं। अगर मैं आप लोगों से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा करते थे कि हमारे भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो काफी और नाखुश है या कहें कि हमारे समाज के साथ गद्दारी करता है, और ये इंटेलेक्चुअल एक पर्टिकुलर क्लास के लोग होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में बाबा साहब को अम्बेडकर को नजरअंदाज किया। आज के डेट में रामचंद्र दुआ हो चाहे पुरुषोत्तम अग्रवाल हो, बड़े नाम हैं, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा जानेंगे। इन लोगों ने जब भी बाबा साहब की बात होती है, आज का प्रोफेसर गुलामों का प्रोफेसर है, आज का शिक्षक, आज का जो विद्यार्थी है वो गुलामों का विद्यार्थी है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया में क्रांति होती है, अमेरिका में क्रांति हो रही है, फ्रांस में क्रांति हो रही है, फ्रांस में तीन तीन बार क्रांति हो रही है, लेकिन भारत में क्रांति नहीं हो पाई। भारत में उस तरह क्रांति नहीं हो पाई जिस क्रांति की बात आप का इंतजाम करते थे, जिस क्रांति की बात रशियन रेवोल्यूशन करता है। बुद्धिज्म में क्रांति की बात हो रही है लेकिन वो रिलीजियस क्रांति के रूप में आएगी, लेकिन भारत में आज भी क्रांति नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हवाले से कहना चाहता हूँ कि हम लोग गुलाम हैं, और इसीलिए गुलामी का प्रतीक इतना दिन से खो रहे हैं कि हम लोग हिंदू होने के बाद भी, हम लोग बुद्धिस्ट होने के बाद भी यहाँ पे और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा जनादेश देते हैं जिस पोलिटिकल पार्टी ने हमारे देश को बेड़ागर्क किया। हम सब जानते हैं किस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो अक्सर वायरल होता है, अक्सर मारने की धमकी दी जाती है, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बात कही जा रही है। तो हमें आप कल्पना कीजिए दोस्त, क्योंकि समय कम है, बार बार कह रहे हैं, आप कृपया कल्पना कीजिए कि एक अम्बेडकर ने इतना उत्पाद बचा दिया, इनके दिमाग को खराब करके रखा है, तो अगर सब लोग अम्बेडकर बन जाएंगे तो क्या दिन होगा। वो मैं आपसे अपील करने आया हूँ दोस्त कि आप प्लीज आप भी खुद अम्बेडकर बनिए, एक अम्बेडकर विचारधारा रखिए अपनी बात। इस बात से समाप्त कर रहा हूँ, एक छोटी सी कविता है, ज्यादा नहीं, चार लाइन की, और ये समाप्त करता हूँ इसी बात से कि तुम चाहो तो नदी पे बांध बनाकर नदी रोक सकते हो, तुम चाहो तो नदी पे बांध बनाकर नदी को रोक सकते हो, तुम चाहो तो पहाड़ काट कर रास्ता बना सकते हो, तुम चाहो तो माचिस की तिल्ली से शहर में आग लगा सकते हो। ये बात सबनों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात अपर कास्ट के लिए कह रहा हूँ, सीधे सीधे ये बात पासी जमार गोभी तेली मुरिया बीन पास ठाकुर सबके लिए कह रहा हूँ कि तुम चाहो तो नदी पे बांध बनाकर नदी को रोक सकते हो, तुम चाहो तो पहाड़ काट कर रास्ता बना सकते हो, तुम चाहो तो माचिस की तिल्ली से शहर में आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो विक्रम को गोली भी मार सकते हो, तुम चाहो तो विक्रम को गोली से मार सकते हो, इलाहाबाद के सड़कों पे फांसी भी चढ़ा सकते हो, पर ये मेरे दोस्त उसका क्या करोगे, अम्बेडकर को कैसे मारोगे जो विक्रम को गोली मार सकते हो।